भी दिया किसी शान से, मेरा है ये लेने वाला कहे उठा अभिमान से, पर मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं मेरा जो कह रही है ये जीभ भी किसी की दी हुई है, इसलिए मैं नहीं मेरा नहीं। ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ मेरा मेरा नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही यहाँ से निकलते हैं, यहाँ कह रहे हैं तन मन धन सब तेरा, सब कुछ तेरा है प्रभु, सब आपका है, और जैसे ही किसी संत के पास जाएंगे तो कहेंगे महाराज मेरा मन नहीं लगता, तो महाराज कहते अभी तो तू कह रहा था तन मन धन सब तेरा, अब मन तेरा कैसा हो गया, एक सेकंड लगता है हमें सब कुछ अपना बनाने में, बस कहते ही हैं कि प्रभु सब तेरा तेरा तुझको अर्पण, और मन से समझे बैठे कि सब कुछ हमारा ही। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ एक काम करना चाहिए, एक काम करिए कि बस ठाकुर जी को मालिक बना दीजिए, आप सेवक बन जाइए, अभिमान अपने आप खत्म हो जाएगा। कैसे? जैसे एक बैंक का कोई मैनेजर होता है, सूरी जी आपका जुड़ा हुआ तो उसके अंडर में मिलियंस बिलियंस पैसा होता है, करोड़ों अरबों रुपया होता है, लेकिन उसको उस करोड़ों रुपया का अभिमान नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसको पता है वो बस उसका टेक केयर कर रहा है, वो उसका मालिक नहीं है, उसका ध्यान रख रहा है, बस मालिक कोई और है, उसका ओनर जो जिसका पैसा उसका है, मेरा काम तो सिर्फ इसका देखभाल ये सब करना है। तो ठीक वैसे ही जिस दिन हम अपने जीवन का, अपने घर का, अपने परिवार का, सबका मालिक हम अपने ठाकुर जी को बना दें, कि आप मालिक को, हम कर रहे हैं इसकी रखवाली, हम सिर्फ रखवाली कर रहे हैं तो फिर अभिमान किस बात का, क्योंकि जो कुछ है वो तेरा है, और इसमें हम अभिमान करें तो कैसा अभिमान, अपने आप मन में आ जाएगा कि इस घर का, मेरे जीवन का मालिक ईश्वर है, भगवान है, और जब तक वो करा रहा है मैं करता रहूंगा, उसकी सेवा करता रहूंगा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम का मतलब ये नहीं कोई ये इस भजन को मैं कभी कभी गाती हूँ, कभी कभी तो कुछ लोग को लगता है ये सकाम भक्ति है कि भगवान से मांग रहे हैं कि आपकी कृपा हो तो काम बनते चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं, सब काम का मतलब है कि मैं आपकी भक्ति कर पा रहा हूँ, मैं आपको याद कर पा रहा हूँ, आपका स्मरण कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, एहसान पर तेरा ये एहसान हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। अपने जीवन का जो मालिक है वो बस भगवान को जिसने बना लिया ना, तो उसको फिर कहीं भी ठोकर नहीं मिलती, वो सोच लेता कि अभी हमें बैठा है संभालने के लिए, यही हमारा सीट है, यही हमारा मालिक है, पर गड़बड़ कहाँ होती है, जब हम खुद मालिक बन जाते हैं, सबका मालिक हम ही हैं, हम ही चलाने वाले हैं, हम ही करने वाले हैं। लेकिन श्री ठाकुर जी को अपना मान करके, अपना सर्वस्व मान करके, उन्हीं को समर्पित समर्पण भाव से तुम्हें छोड़े सुन नंद दुलारे कोई ना मीत हमारो, तुम्हें छोड़े सुन नंद दुलारे कोई ना मीत हमारो, किसके द्वार
जाए पुकारूं और ना कोई सहारो, किसके द्वारे जाए पुकारूं और ना कोई सहारो। अब तो आकर बांह पकड़ लो, ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे